Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject first, standard first. Chapter 7, Measurement, Part 1. बच्चों, ये पार्ट में हम देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे जज करते हैं, है ना? So, let's start. बच्चों, अभी मेजरमेंट यानी क्या? मेजरमेंट से हमको क्या पता चलता है? मेजरमेंट यानि माप होता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है, मोटी है, पतली है ना? तो ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं ये मेजरमेंट थ्रू, है ना? तो बच्चों, अभी इसमें ये देखेंगे लॉन्गर. लॉन्गर यानि क्या? लंबा. लॉन्गर यानी लंबा एंड शॉर्टर यानी छोटा. शॉर्टर यानी छोटा. तो बच्चों, अभी ये पेंसिल है, पेंसिल है शॉर्ट है और ये पेंसिल लॉन्ग है. ये पेंसिल इससे बड़ी है ना? ऑब्जर्व दिस. ये जो लेडर है वो लॉन्गर है, ये लेडर छोटी है ना? आप ऐसे आपके आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें लेके बैठ सकते हो. आपके कंपास बॉक्स में भी होगी. इरेजर को और पेंसिल को जज करके देखना है, फिर शार्पनर है, फिर स्केल है. बड़ी स्केल होती है, छोटी स्केल होती है, लॉन्गर स्केल होती है, शॉर्टर स्केल होती है. ये आपको सब कलेक्ट करके देखना है कौन लॉन्गर है, कौन शॉर्टर है. फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके फ्रेंड के बाजू में खड़ा रहना है और फिर देखना है कौन लॉन्गर है, कौन शॉर्टर है ना? तो आज ये एक्सरसाइज करना है. ओके, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टिक राइट दी लॉन्गर. तो बच्चों, इसमें आपको कौन सा लॉन्गर लीव लग रहा है? यस, दिस वन, है ना? और यहाँ पे ब्रूम दिए हुए हैं, तो लॉन्गर ब्रूम कौन सी है? यस, दिस वन. एंड शॉर्टर, अभी टिक दी शॉर्टर, अभी ये रोप दी हुई है ना? आपके यहाँ पे स्क्रैप रोप होगी ना, तो भी वो रोप देख के भी देखना है, छोटी रोप कौन सी होती है, बड़ी रोप कौन सी होती है, मोटी होती है, पतली होती है ना? देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, तो इसमें अभी शॉर्टर हम लोगों को क्या फाइंड करना है? शॉर्टर. शॉर्टर यानी छोटी. छोटी रोप कौन सी है? यस, दिस वन. अभी यहाँ पे स्टिक दिया हुआ है, तो कौन सी स्टिक छोटी है, कौन सी शॉर्टर है? छोटी को हम क्या बोलेंगे? शॉर्टर. तो दिस वन, है ना? दिस इज शॉर्टर. मूव नेक्स्ट, अभी आगे का देखते हैं. यस, लॉन्गेस्ट. बच्चों, अभी मैं आपको बता देती हूँ, जब हम कोई भी दो चीज की कंपैरिजन करते हैं तब हम बोलेंगे लॉन्गर एंड शॉर्टर. बट दो से बहुत सारी चीज़ें होती है, दो से ज़्यादा जो चीज़ होती है ना उसमें कंपैरिजन होता है ना, तो वो लॉन्गेस्ट बोला जाता है एंड शॉर्टेस्ट बोला जाता है. लॉन्गेस्ट यानि सबसे बड़ा एंड शॉर्टेस्ट यानि सबसे छोटा. तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चिली हुई एंड ये सबसे शॉर्टेस्ट यानि सबसे छोटी. अभी आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है, टिक दी लॉन्गेस्ट. बच्चों, ये स्टिक दी हुई है ना? वो होड़ी का रहता है ना, जिसे हम होड़ी चला सकते हैं, वो चीज़ है. तो अभी इसमें सबसे शॉर्टेस्ट कौन, सॉरी, सबसे लॉन्गेस्ट फाइंड करनी है. तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? यस, ये वाली स्टिक है. ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉर्न, स्वीट कॉर्न है ना? तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्वीट कॉर्न कौन सा है? तो दिस वन, है ना? अभी आपको बोला है टिक दी शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्ट, है ना, सबसे छोटा कौन सी स्टिक है? दादाजी की लकड़ी कौन सी है? यस, सबसे शॉर्ट, दिस वन, है ना, दिस. ओके, अभी आगे का देखते हैं, नेक्स्ट पेज देखेंगे.
टॉलर एंड शॉर्टर। यस, टॉलर यानि बड़ा, टॉलर यानि बड़ा एंड शॉर्टर यानि छोटा। बच्चों ये जीराफ के दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, है ना, तो ये जीराफ क्या है, टॉलर है यानि ऊंचा, एंड ये जीराफ छोटू सा है यानि ये शॉर्टर है। तो बच्चों मैंने पहले भी बोला ना, आप आपके फ्रेंड्स, भाई, इन लोगों की भी हाइट मैच कर सकते हो, टॉलर एंड शॉर्टर, वो मुझे बताना, है ना। यहाँ पे दो अंकल दिखाई दिए हैं, एक टॉलर अंकल है और एक शॉर्टर है। शॉर्टर यानी एक छोटे है, हाइट से छोटे है, और एक बड़े अंकल है ना। टॉलर यानि हमारा मतलब क्या होता है, ऊँचा, एंड शॉर्टर यानि छोटा, नीचा, है ना। अभी यहाँ पे बर्ड ऑब्जर्व करो एंड टिक द टॉलर, तो कौन सा बर्ड टॉलर है, यस दिस वन। अभी काउ एंड काउ के बेबी में हु इज टॉलर, यस दिस वन। एंड टिक द शॉर्टर, टिक द शॉर्टर। अभी डॉग एंड पपी में कौन शॉर्टर है, यस पपी। एंड दो प्लांट दिए हुए हैं, दो प्लांट में शॉर्टर प्लांट कौन सा है, दिस वन। ओके, अभी आगे का पेज देखते हैं। बच्चों इसमें भी ऐसा ही है, जब दो से ज़्यादा कंपैरिजन होता है, दो से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती है, तब हम टॉलर और शॉर्टर नहीं बोलते, उसको कैसे बोलेंगे, टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। टॉलेस्ट यानी सबसे बड़ा एंड शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा। अभी ये सब तीनों घर में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा घर है, दिस वन, एंड सबसे टॉलेस्ट दिस वन। अभी ये ट्रीज में सबसे छोटा कौन सा है, शॉर्टेस्ट दिस वन, एंड ये ट्री में कौन सा टॉलेस्ट है, दिस वन, है ना। टॉलेस्ट यानी सबसे बड़ा एंड शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा। ओके बच्चों, अभी टिक दी टॉलेस्ट, टिक दी टॉलेस्ट, इसमें सबसे बड़ा कौन है, यस दिस वन, है ना। और अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टिक दी शॉर्टेस्ट। अभी ये तीनों जोकर में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, यस दिस वन। मजा आ रहा है बच्चों, यस। अभी थीकर एंड थीनर। अभी बच्चों आप में देखना, आपके क्लास में कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है ना, और आपकी कोई बुक बहुत मोटी होती है, कोई एकदम पतली सी होती है ना। तो आपकी कौन सी स्टडी की बुक मोटी है, मुझे बताना, हाँ ओके। तो थीकर यानि क्या, मोटा, और थीनर यानि पतला। अभी ये दो चोटी है, तो उसमें से थीनर यानि पतली चोटी किसकी है, इसकी, एंड थीकर यानि मोटी चोटी किसकी है, इसकी, है ना, ब्लू चाइल्ड की। और ये दोनों थ्रेड के रील्स दिखाई दिए हुए हैं, है ना, तो उसमें थीकर रील कौन सा है, पर्पल वाला, और थीनर रेड वाला। तो बच्चों टिक दी थीकर। बच्चों ये ब्रूम में आपको कौन सा थीकर ब्रूम दिख रहा है, दिस। अभी ट्रंक दिखाया हुआ है ना, पेड़ का एक पार्ट है, तो उसमें थीकर पार्ट कौन सा है, यस दिस वन। अभी टिक दी थीनर, थीनर यानि पतला। थीनर चीज कौन सी है, कौन सा एरो थीनर है, ये वाला। कौन सी रोप थीनर है, ये वाली, है ना। तो थीकर यानि मोटा और थीनर यानि पतला। अभी थीकेस्ट एंड थीनेस्ट। तो बच्चों मैं फिर से बता रही हूँ, जब यहाँ पे थीकर और थीनर क्यों बोल रहे थे हम, क्योंकि हम सिर्फ दो ही चीज़ों की कंपैरिजन कर रहे थे, है ना।
दो ही चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे थे, पर दो से ज़्यादा जब कंपैरिजन होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, थिकेस्ट एंड थिनेस्ट। तो सबसे थिकेस्ट बुक कौन सी है, ये वाली, एंड थिनेस्ट बुक ये वाली, सबसे पतली बुक ये वाली है। अभी पेपर रोल दिखाया हुआ है, तो सबसे थिकेस्ट रोल कौन सा है, दिस वन, एंड थिनेस्ट ये वाला। वैसे ही टिक द थिकेस्ट पेंसिल, अभी ये सब में थिकेस्ट पेंसिल कौन सी है, रेड वाली है ना, और टिक द थिनेस्ट, अभी थिनेस्ट ब्रश कौन सा है, पतला ब्रश कौन सा है, तो ये वाला है ना। बच्चों आपके आपने ऐसे बहुत सारी आज की एक्टिविटी में हमने क्या देखा, थिकर थिनर, थिकेस्ट थिनेस्ट, थिकर थिनर, शॉर्ट लॉन्ग, फिर लॉन्गर लॉन्ग, शॉर्टेस्ट है ना। तो ये सब चीज़ें आज आपने प्रैक्टिस करनी है, आज हमने जितने भी वर्ड्स देखे हैं उसकी आज हमने प्रैक्टिस करनी है, लाइवली देखना है। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो शॉर्ट होगी, जो लॉन्ग होगी, जो लॉन्गर होगी, जो लॉन्गेस्ट होगी, और शॉर्टेस्ट, थीकेस्ट, थीनेस्ट है ना। तो आपने ये, मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं पर आप भी ये ऑब्जर्व कर सकते हो है ना। यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।